इनका नाम मल्लिकार्जुन है। 2006 से पहले ये लोको पायलट पद पर कार्यरत थे और ये खुशहाल जीवन जी रहे थे। 9 अप्रैल 2006 के दिन ड्यूटी जाते समय इनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। ट्रेन से उतरते समय एक छोटी सी गलती के कारण इनका पैर फिसल गया और ये ट्रेन के नीचे जा गिरे। उस दुर्घटना में इनका दोनों पैर घुटना से कट गया। इनके शरीर में अनेक जगहों पर काफ़ी गहरी चोटें आईं। डॉक्टर ने उस अवस्था में देखा तो चौंक गए और शॉक्ड रह गए। इनका बचना बहुत ही मुश्किल था। घंटों इनका ऑपरेशन चलता रहा। बड़ी मुश्किल के बाद डॉक्टर इन्हें बचाने में सक्षम रहे। रिश्तेदार सोच रहे थे कि ये आर्टिफिशियल पैर से चल सकेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। MRI स्कैन में पता चला कि इसके अलावा इनकी रीढ़ की हड्डी भी टूटी हुई है। यह पता चलते ही सब सोचने लगे कि अब इनका जीवन वेस्ट है। एक बड़ा ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा कि बड़ी मुश्किल से बैठ पाएंगे। इसके अलावा इनकी बॉडी जहां पैरालाइज है वहां हमेशा के लिए पैरालाइज रहेगा और पैरालाइज के साथ बवेल एंड ब्लॉडर के ऊपर कभी नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। नौकरी कर पाना तो दूर की बात है, आप बैठ भी नहीं पाएंगे, कैसे फिट दे सकते हैं। यह सब डॉक्टर का कहना था। यह सब सुनने के बाद इनके लाइफ पार्टनर ने भी इनका साथ छोड़ दिया, लेकिन इन्होंने रेलवे से निवेदन किया कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं कर पाया तो आप रखिए, नहीं तो नहीं। रेलवे ने इनको 2009 में जूनियर क्लर्क पद पर कार्य करने का मौका दिया। तब से अब तक लगभग 14 साल से रिजल लोको सेठ गुत्ती में सेवा दे रहे हैं।